स्ट्रगल रही थी, मुझे अपने डैड को समझाना पड़ा था। एक साल में उनका पर्सनल सेक्रेटरी बन के घूमा था ताकि उनको रियलाइज़ होए कि मुझे ये करना है और मैं एक्चुअली करना चाहता हूँ। सर, राम कपूर सर ने आपको काम करने से कितना मजा आया? सर बहुत मज़ा आया। मतलब पहली बार तो जब मैं सेट पे पहुँचा तो मुझे बहुत डर लग रहा था, क्योंकि मुझे सबने बोला था कि राम सर बहुत बहुत मजाकी हैं और टांग खींचते हैं। पर जब मैं उनसे मिला पहली बार में मिलके, मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने मुझे इतना कंफर्टेबल कर दिया कि जैसे मैं सच्ची में उनका छोटा भाई हूँ। और आज हम दोनों की इतनी अच्छी रिलेशनशिप है कि हम एक दूसरे को कभी भी फ़ोन कर देते हैं, मिलते हैं। उन्होंने मुझे बहुत हेल्प करा एक्टिंग में, क्योंकि कॉमेडी आसान नहीं होती करनी। पहली पहली फिल्म के लिए कॉमेडी, आपकी कॉमिक टाइमिंग होनी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो राम सर ने मुझे काफ़ी हेल्प करा है, बहुत हेल्प करा है मैं तो कहूँगा। जी मेरे इंडस्ट्री में मेरे मेंटोर आप ये लगा लीजिए कि मैं ऋतिक को बहुत अच्छी तरह फॉलो करता हूँ, ऋतिक रोशन को। एंड इन एक्टिंग आई रियली लाइक शाहरुख खान। हाँ जी, क्या एक्सपीरियंस रहा सर? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत कंफर्टेबल फील कराती हैं, क्योंकि उनमें कोई स्टारी एटीट्यूड नहीं है। और एक न्यू कमर के लिए वो बहुत बड़ी बात होती है जब आप कैमरे के सामने हैं और आपके साथ इतने बड़े बड़े यू नो स्टार्स हैं, तो आपको समझ नहीं आता कि आप कैसे रिएक्ट करोगे। पर बहुत अच्छी हैं, बहुत बहुत सिंपल हैं, दिल की बहुत साफ़ हैं। उन्होंने काफ़ी हेल्प करा, मतलब मदद करती थी सेट पे, हम मजाक करते हैं। आज मैं बोल सकता हूँ कि हम दोस्त हैं। मूवी कहाँ पे लोकेशन में शूट हुआ? ये मूवी आउट एंड आउट मलेशिया में शूट हुई थी। हमारा 35 डेज़ का शेड्यूल था मलेशिया में, और फिर वापस आके बॉम्बे में शायद 5 डेज़ का पैच वर्क था जो हमने खत्म किया। हाँ, बहुत एक इंटरेस्टिंग मोमेंट था जब मैं वैन आई एम एक्चुअली प्लेइंग दी ओल्ड गाय, जब मैं बुढ़े का रोल करता हूँ। तो उसमें मुझे सनी लियोन जी को ऐसे पकड़ के बोलना है कि बहुत सुंदर है, तो वो करने में मुझे बहुत डिफ़िकल्टी हुई थी, क्योंकि एक तो मैं वैसे ही बुढ़ा प्ले कर रहा हूँ। अब आप सोच सकते हो कि 26 साल के लड़के को बुढ़ा प्ले करना कितना मुश्किल होगा, और उसके ऊपर से आपके सामने राम कपूर सर खड़े हैं और आपके सामने इधर सनी लियोन खड़ी है, तो आप कैसे, आप क्या करोगे? तो वो चीज़ मैं कभी नहीं भूल सकता। वो एक बहुत इंटरेस्टिंग वाक्य हुआ था, मैं अपनी लाइन ही भूल गया था, मैं उनको सिर्फ देखता रह गया था, मुझे ये याद है। सर कुछ लोचा है सर, ये की देखने आई मूवी को थिएटर में। सर इसमें बहुत फिल्म की यूएसपी यही कि आप बहुत बहुत फ्रेश फिल्म है, बहुत फ्रेश फिल्म है, बहुत लाइट हार्टेड फिल्म है, और ये ऑडियंस आपसे रिलेट करेगी। मतलब हर एक, क्योंकि एक बाप और बेटे का जो रोल होता है वो हर एक की ज़िंदगी में ऐसे ही होता है। मतलब आज अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं भी अपने पापा की टांग खींचता हूँ, या वो मुझे तंग करते हैं। तो वो एक फादर एंड सन रिलेशनशिप है। फिर देर आर ब्यूटीफुल